आज हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम कटक मौजूद हैं हेमा मैम। मैं अभी ऑडियोज बना रही हूँ न्यू एनर्जीज बुक के, उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके मेरे ऑडियोज चल रहे हैं ब्लेसिंग्स टीम में। मुझे एहसास हुआ कि जो जर्नी में मुझे एक्सपीरियंस हुए आध्यात्मिक और फिजिकली भी, जो भी मुझे एक्सपीरियंस थे जीवन के या जो भी कठिनाइयां थी, वो सब मेरे लिए एक लेसन्स थे जिन्होंने मुझे ग्रो किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमें PSSM में। दोस्तों, हमें PSSM में हमने अभी तक आपसे मिलाया ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनके ध्यान की जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें कितना इंस्पायर किया कि हमें कैसे ध्यान करना चाहिए और ध्यान से हमें कितनी मदद मिलती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम कटक मौजूद हैं हेमा मैम। हेमा मैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा खोज की तलाश रखी, जिन्होंने हमेशा से चाहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है। इसके साथ साथ ही वो एक हाउसवाइफ भी हैं और वो एक मदर भी हैं। लेकिन इन सारी हर्डल्स के बावजूद भी वो कैसे आज भी ध्यान के माध्यम से सब तक वो सेवा पहुंचा रही हैं जिससे उन्हें बहुत सहानुभूति मिलती है, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे हेमा मैम से। तो आइए स्वागत करते हैं हेमा मैम का। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे कि आप ने कहा कि मैं एक जिज्ञासु रही हूँ, तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। मैं दिल्ली में बड़ी हुई और वहीं मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फिर आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम किया मैंने, बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद सीएस में भी एडमिशन लिया और लेकिन उसके बाद जैसे पेरेंट्स की एक चाहत होती है कि टाइमली मैरिज हो जाए, अच्छा घर मिले, अच्छा ससुराल मिले और अपने बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, तो बस इसी चाहत में उनके ब्लेसिंग से मुझे अच्छा परिवार मिला, अच्छा हस्बैंड की बहुत अच्छे से फाइनेंशियली भी मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरी मैरिज हो गई और फिर टाइमली मेरे दो बच्चे भी हुए, तो मेरा एक बेटा एक बेटी है और अभी मैं कटक में। और किस तरह से मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं और किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुंचा सकूं लोगों तक, तो मैं वही चाहती हूं और वही मेरी जर्नी है। और अभी तो एज ए हाउसवाइफ ऐसे लगता है कि जैसे मेरा सब कुछ, जो मेरी दायित्व थे वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब जैसे एक ट्रैक मिला है और एक जगह मिली है कि अब मैं कुछ अपने लिए और अपने माध्यम से दूसरों तक कुछ सेवा पहुंचा सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बातें बताई कि किस तरीके से एक जिज्ञासु हैं आप और किस तरीके से आपने उस खोज को हमेशा बरकरार रखा और इसके साथ ही सारी वो जो एक जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उन सबको भी पूरा किया। बहुत अच्छा मैम। इसके साथ ही मैम, मैं आपसे एक अगला सवाल लेना चाहूँगी कि आप बता रहे थे कि जब मैरिज हुई उसके बाद मेरे अंदर एक वो तो कमी रह गई, पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन मैं कुछ बन नहीं पाई, तो मैम उसके बाद से किस तरीके से आपने उस सवाल को अपने अंदर रखकर आगे बढ़ा, कैसे आपने उस चीज को जिया? जैसे मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी तो हमेशा मुझे करियर को लेकर थोड़ा रहता था पैशन कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ हायर पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसा करना है जो सबसे थोड़ा अलग हो, अलग हटके हो। लेकिन जब मैरिज हो गई तो बच्चे हुए तो मुझे बच्चों में वो पैशन नजर आया, मुझे लगा नहीं मुझे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, अपनी जो मेहनत जो मैंने जिंदगी जी जो क्वालिटीज थी मेरे में, मेरे पढ़ने के टाइम में मुझ में, तो वो सभी क्वालिटीज मेरे बच्चों में आए और वो कुछ हायर एजुकेशन में जाए। तो उस मैंने पूरा अपना फोकस अपने बच्चों पर किया। तो जैसे मेरा बेटा भी बॉम्बे IIT से इंजीनियरिंग किया, मेरी बेटी अभी मेडिकल की स्टूडेंट है, PG कर रही है, तो बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे। लेकिन साथ साथ बस ये है कि मैं बचपन से थोड़ी आध्यात्मिक भी रही हूँ, से हम लोग वैष्णव परिवार से हैं तो वैष्णव परिवार में जैसे ठाकुर जी की सेवा होती है, लेकिन मेरे जो दादा दादी थे वो बहुत ही उच्च विचार के थे, उन्हें मतलब कोई धार्मिक आडंबर वगैरह ज्यादा पसंद नहीं था, वो ह्यूमैनिटी को बहुत महत्व दिया करते थे। सदा ही मेरे दादाजी भी एक ऐसे थे इंसान कि हर समय तैयार रहते थे हर किसी की मदद के लिए,
और मेरी दादी भी ऐसी ही थी कि किसी को आधी रात को भी जरूरत पड़ी तो वो मतलब ऐसे गाइडेंस, उनके लिए एक बच्चा भी रोया तो वो तैयार रहती थी कि इसको केयर कैसे लेनी है और सबको गाइड किया करती थी। तो मैम वो ही गुण मेरे में आए और मैं चाहती थी कि मैं भी आगे चलकर किसी भी माध्यम से आगे चलकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से यूज करूं और अपना अपनी जर्नी में आगे बढ़ूं। तो जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तब मुझे एहसास हुआ कि इस जर्नी में, इस लाइफ में मैंने जो भी किया वो मेरा व्यर्थ नहीं गया है कहीं भी। वो जो क्वालिटीज मुझ में थी वो सभी क्वालिटीज इस समय मेरे काम लग रही हैं। जो मैं सेवा कर रही हूँ या जो भी माध्यम है मेरे द्वारा, जैसे मैं अभी ऑडियोज बना रही हूँ न्यू एनर्जीज बुक के, उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके मेरे ऑडियोज चल रहे हैं ब्लेसिंग्स टीम में। तब मुझे एहसास हुआ कि जो जर्नी में मुझे एक्सपीरियंस हुए, आध्यात्मिक और फिजिकली भी जो भी मुझे एक्सपीरियंस थे जीवन के, या जो भी कठिनाइयां थी, वो सब मेरे लिए एक लेसन्स थे जिन्होंने मुझे ग्रो किया है। मुझे फिजिकली और मेंटली मुझे ग्रोथ मिला है और वो सब अब मुझे इस जगह काम आ रहे हैं। तो मैम इसी तरह मैं, यस जी, तो मैम आपने बताया अपनी जर्नीज के बारे में, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल आपसे है वो ये कि आप पीएसएसएम से कब जुड़ी और आपको पीएसएसएम के बारे में कैसे पता चला? यस मैम। मैम एक्चुअली 2012 में मुझे एक डिवाइन विजन हुआ था। तो डिवाइन विजन में मुझे गाइड किया गया कि मुझे मेडिटेशन करना है। और उसके बाद में, तब तो 2012 में फिर खोज चली, तो यहाँ पर एक मास्टर हुआ करते थे, यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ था संजय परमार सर के यहाँ। तो मैं लकीली वहां पर चली गई मेडिटेशन सीखने के लिए। लेकिन तब मुझे पीएमसी हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो तो 2012-13 का समय था और उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे थोड़ा आनापान सती की कैसेट्स भी दिए और पिरामिड की ऊर्जा को महसूस किया, मेडिटेशन सीखा, बहुत सी लर्निंग्स उनके साथ, सर के साथ मुझे सीखने को मिली। उसके बाद मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में भी गई क्योंकि वो जर्नी वहां तक थी। उसके बाद में मुझे लगा नहीं, ये दिल मांगे मोर, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन सीखा, राजयोग मेडिटेशन, और रविशंकर, श्री श्री रविशंकर के भी सुदर्शन क्रिया ली और ज्ञान लेती गई। लेकिन जब ये पीएमसी हिंदी से ये जब मेरा जुड़ाव हुआ मैम, तो वो लॉकडाउन के बाद से ही, जैसे जब मेरा, क्योंकि हैबिट हुआ करती थी कि यूट्यूब में मैं कुछ भी स्पिरिचुअली देखा करती थी, के सदगुरु के वीडियोस या मतलब जो भी मुझे मिलता, जिसकी भी गुरुज के थे तो मैं सुनती रहती थी। तो बस लकीली ऐसे ही अपने आप एक बार आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा वो मेरे सामने आई। और दीप्ति मैम के भी मेरे, फिर मैं मतलब इतनी जिज्ञासा बढ़ी, इतनी जिज्ञासा कि अरे मैं इतना टाइम से मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थी मेरी लाइफ में, एक पैशन था तो मैं करा करती थी मेडिटेशन हमेशा, उसे कभी मिस नहीं करती थी। ऐसे रात को सोते वक्त हमेशा मेडिटेशन करती थी और बहुत से डिवाइन, मतलब इन बिटवीन जो टाइम था वो इतने डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे हो रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्या है, ये इतने लोगों के एक्सपीरियंस। तब मैं पहले अपने आप को अकेला महसूस करती थी कि नहीं, मैं मतलब जैसे अपने अनुभव खुद मेरे ही साथ जी रहे हैं और मैं किसी से बांट भी नहीं पा रही थी। अब जब मैंने ये सब सुना तो मुझे लगा अरे इतने मास्टर्स हैं, इतने मैसेजेस, इतना एक आत्मा की यात्रा में इतने लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से एक सुकून मिला कि नहीं, मुझे इसके साथ ही कनेक्ट होना है। तभी दीप्ति मैम के कल्याण वस्तु प्रोग्राम चल रहा था तो वो मैं सुनती गई सुनती गई। 8-9 दिन का उनका जो था, तो तब उसमें उन्होंने, लोग पूछते थे कि मैम आपका कैसे आपसे कांटेक्ट करें, तो उनका कांटेक्ट नंबर भी रहता था। तो बस उसके जरिए फिर मैंने राम राजू, ये सॉरी दीप्ति मैम के जो सर है राम सर, उनको मैंने मैसेज किया और बस उसके बाद से ही मेरा ये कनेक्शन स्टार्ट हो गया। जी, बहुत ही इंस्पायरिंग मैम, जैसे कि मैंने बताया आपकी जर्नी की, आपने ये भी एक लाइन बोली कि ये दिल मांगे मोर, यानी कि आपकी जो खोज थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, जितना आपको मिल रहा था आप उससे ज़्यादा उसकी तलाश में थी। जी, तो मैम इसके बाद से मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि डिवाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने बात की, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ज़रा अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें तो?
यस मैम, जैसे कि मैंने जब परमार सर के बाद साथ किया ज्वाइन, उसके बाद में थोड़ा सीरियसली मेडिटेशन को मैंने लिया, क्योंकि फिजिकल चैलेंजेस भी बहुत आ रहे थे मेरे, और मेरे को बचपन से ही दवाइयाँ लेनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इवन मेरी मदर भी ऐसे ही थी कि नहीं, दवाइयाँ नहीं लेनी, अपने आप बॉडी ठीक होगा। तो मैं उनके पास फिजिकल हेल्थ इश्यूज के हिसाब से ही और एक जिज्ञासा के वश जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, तो ब्रह्मा कुमारी में जब मैं राजयोग मेडिटेशन किया करती थी, तो रात को सोते वक्त किया करती थी, तो मुझे एक डिवाइन विजन हुआ, जैसे मैंने अपनी सोल को एक स्टार के रूप में देखा और फिजिकल बॉडी मेरा एक छाया के जैसे मुझे दिखा। तो बहुत ही डिवाइन विजन था कि मैंने अपने आप को एक स्टार के रूप में देखा और मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा सोल है। तब उसके बाद से फिर एक और अनुभव हुआ कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ, एक छाया के रूप में मेरा शरीर है और मैं एक स्टार के रूप में, बीच में एक स्टार जल रहा है, तो वो स्टार के रूप में मैं बैठी हुई हूँ, सो रही हूँ। तो मुझे लगा कि अरे, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं इतना सुनती हूँ कि हम एक आत्मा है, बॉडी नहीं है, तो मुझे बहुत ही अंदर से सुकून महसूस हुआ कि हाँ, मुझे गॉड ने, परमात्मा ने ये एक विजन दिया कि मैं एक सोल स्वरूप हूँ। लेकिन मेडिटेशन क्या होता है, फिर मेडिटेशन कैसे करना है, क्या मेरा मेडिटेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जिज्ञासा तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम की नहीं, बस अभी मुझे और परफेक्शन चाहिए। कि जैसे मैं सुना करती थी कि मेडिटेशन में समाधि की व्यवस्था हो जाती है, तो मुझे अंदर से एक चाहत रहती थी कि एक कंप्लीटली एक किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। इस तरह से और भी बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रभात वेला में 4 बजे बैठकर मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे जैसे हॉली साउंड जो घंटिया मंदिर की होती हैं, ऐसे शिव टेम्पल दिखा और घंटी के साउंड सुनाई दिए, और फिर ऐसे लगा जैसे मैं अपनी बॉडी से निकल कर बाहर ऊपर जा रही हूँ, से पूरा हल्का हो के हवा के जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ। तो वापस से कहीं से मुझे आवाज आई कि अभी टाइम नहीं हुआ है, वापस चले जाओ। तो ये सुनकर मैं वापस से अपनी बॉडी में आ गई, तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे लगा, अरे ये क्या है, ये कोई संदेश है मेरे लिए। तो इस तरह से मैम बहुत से एक्सपीरियंस होते थे, तो मुझे लगता था नहीं, अभी और अच्छे से कुछ सीखना बाकी है। मैं कर रही हूँ, जैसे प्रभात वेले में भी मेडिटेशन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन बस मुझे चाहत बनी ही रहती थी कि मैं इसको अच्छे से जानूँ, अच्छे से सीखूँ। तो बस इसी के चलते जैसे जीवन में आगे बढ़ती चली गई। जी, तो मैम आपने शेयर किया कि ये आपके एक्सपीरियंसेस थे, तो मैम अगला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये कि क्या आपने इन एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ साझा करने की सोची, और अगर सोची तो किसके साथ, और वो अनुभव कैसा रहा? मैम उसके लिए तो कहूंगी कि जैसे मेरे घर में ही अगर कहे तो, जैसे होता है कि चलो हस्बैंड को बोलिए, या मैं तब वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाया करती थी, तो उन सब से ही मैं ज्यादा शेयर करती थी, परमार सर के साथ शेयर किया करती थी कि मुझे ऐसा हुआ है या ऐसे मुझे दिखा है। और भी बहुत से एक्सपीरियंस थे जो मैं उनके साथ ही शेयर किया करती थी। और जहां तक घर में अगर सवाल है, तो मैं और किसी के साथ शेयर, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं किसी को बोलूंगी तो वो ये समझेंगे कि मतलब ये इनका, इसका एक इमेजिनेशन है, या ये कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जा रही है मेडिटेशन को। इसलिए मैं मैडम घर में भी ज्यादा किसी से मतलब इन सब चीजों के बारे में शेयर नहीं करना चाहती थी। तो बस यही, ऐसे बहुत से और भी बहुत एक्सपीरियंस थे, तो वो सब बस स्मूथली चल रहे थे। और मैं जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, तब मुझे लगा कि ऐसे मास्टर्स बहुत हैं जिनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तब फिर मैंने चाहा कि नहीं, मैं किसी ऐसे को ही बोलूं कि जो इस बात को समझ सके। तो मैम बस उसके बाद से फिर ज्यादा कभी वो सब एक्सपीरियंस मैं अपने साथ ही उसको एक साथ लेकर जिया करती थी। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो कुदरत है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके साथ ये एक्सपीरियंस साझा कर सकूं, कि जिससे औरों का भी भला हो सके और एक समझ या एक स्पष्टता लोगों में भी आ सके, और एक अवेयरनेस भी आ सके कि हाँ, ये सब रियल एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है और हो सकता है।
जी तो मैम, इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक्सपीरियंसेस इसलिए आपको फील हुए कि वो रियल है, क्योंकि उनसे आपको कितना पीस और कितना अपने आप में बदलाव लगता था, है ना। तो मैम, इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप ध्यान से जुड़ गई, जब आप PSSM से जुड़ गई, तो उसके बाद क्या ऐसे बदलाव हैं जो आपके जीवन में आए, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। मैम, बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं तब अपने तक ही सीमित जिंदगी जी रही थी, मुझे संतोष नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मेरा टैलेंट काम आ रहा है, या मुझे कभी कभी खटकता था कि ये एक्सपीरियंस हो भी रहे हैं तो मैं अब इसका क्या करूं, मुझे क्यों परमात्मा चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं, और या चलो ठीक है अगर लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं कि प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है तो वो क्योर शायद हो जाएंगे मेडिटेशन से, लेकिन मतलब इसके लिए मुझे ये लगता था कि मैं और क्या आगे करूं कि जिससे मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांट सकूं। तो मैम, जैसे मैंने पूछा कि क्या ऐसे बदलाव, तो जैसे आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक इस सेवा को पहुंचाना चाह रही थी, ये आपके अंदर बहुत अच्छे से चला गया था जी। तो मैम, इसके साथ ही अगला सवाल में, जब आपने ये सेवा शुरू की तो उसके बाद आपने किस तरीके से लोगों तक पहुंचना शुरू किया और किस तरीके से उन्हें बताना शुरू किया कि क्या है आनापानसती ध्यान और किस तरीके से हमें मेडिटेशन करना चाहिए और क्या बदलाव आपके जिंदगी में आते हैं? यस मैम, मैम जैसे कि मैंने कहा कि मैंने उसके बाद में जब ये ZTTP राम सर ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे लिंक्स दिए इनर जर्नी के, तो मैंने बहुत से क्लासेस अटेंड किए, सेथ विजडम वगैरह और इनर जर्नी 13-14 और जितने भी क्लासेस उस समय चल रहे थे तो वो सब मैं ज्वाइन करती गई। तो मुझे मास्टर्स के ओपिनियन, उनके जो एक्सपीरियंस थे, वो सब सुनने का मौका मिला। तो धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि, और मेरी जीवन की क्लैरिटी, मेरे जो भी था वो सब मुझे क्लियर होता चला गया कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो करते करते ऐसे एक बार मुझे रामराजू सर के साथ कांटेक्ट हुआ, तो मैं पुरी में उनसे मिली भी, तो उन्होंने मुझे एज एन एडमिन काम सौंपा कि न्यू एनर्जी गुजराती में हो रही है तो आप एडमिन का काम कीजिए। तो उस समय तो मुझे ये भी अनुभव नहीं था, तो सर से मैंने कहा, सर कैसे, मैंने कभी किया नहीं है। तो बोले हर एक काम, सर बोले कि हर एक काम कहीं ना कहीं से शुरुआत ही होती है, तब आप सीखेंगे कैसे। तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जब बोला तो मुझे लगा नहीं नहीं सर की बात एकदम ठीक है। तो मैंने फिर उससे एडमिन, एज एन एडमिन सेवा चालू की, और उसके बाद ये गुजराती ZTTP ये चालू हुआ न्यू एनर्जी का। तो उसमें मुझे बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगे। जब मेडिटेशन करती थी तो मुझे न्यू एनर्जी बुक से कनेक्शन फील हुआ। उसमें मुझे न्यू एनर्जी बुक एक ब्राइट लाइट के रूप में दिखी और गुजराती में दिखी, तो मुझे लगा कि ये क्या एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद मुझे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स के भी अनुभव हुए, जैसे ब्लू आईज में दिखे मास्टर्स, और कुछ कुछ विस्परिंग, और कुछ लगा कि जैसे मेरा कुछ कनेक्शन है, और मुझे बुक्स भी दिखने लगी, कुछ लिखा हुआ दिखता, तो मुझे लगता कि कहीं कुछ इसी तरह से मेरी सेवा आगे बढ़नी है। तो मैं जब मेडिटेशन भी करती थी तो कई बार डिस्टरबेंस भी आते थे, तो मैं क्वेश्चन भी किया करती थी कि इतने डिस्टरबेंस क्यों आ रहे हैं। तो मुझे खुद एक बार ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि पास्ट लाइफ में मैं एक मॉन्क थी, तो मुझे लगा कि हाँ, फिर मुझे वॉइस भी आया क्लियर कि ये जो जर्नी है उसमें तुम जो तुम्हारी जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है वो तुम्हें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि जैसे उस समय मेरे मतलब सराउंडिंग्स में, जैसे घर में भी होता है, तो मेरा ये पोजीशन नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाकर मेडिटेशन सिखा सकूं, या इतना समय टाइम निकाल नहीं पा सकती थी क्योंकि घर में मदर इन लॉ थे, थोड़े बीमार भी थे। तो मुझे स्पष्ट से फिर गाइडलाइन मिलने लगी कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। मैं जनरली अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं लोगों को आनापानसती सिखा सकूं और उन्हें ठीक गाइड कर सकूं। तो उस समय टाइम बीइंग एक बार जब रागिनी मैम के सेशन सुन रही थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक बार इंस्पिरेशन दिया और गाइड किया कि आप सेशन लो, एज ए मास्टर हम सबको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने भी मुझे एक सेशन लेने का मौका दिया। तो
तो उससे पहले एक बार मैंने वो भी सेशंस लिए, भाई अभय पर और पत्री जी के लॉकडाउन संदेश बुक बहुत अच्छे से पढ़ी। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इस टॉपिक पे कोई भी एक टॉपिक लेकर आप बोलिए। तो एज ए मास्टर मैंने बहुत अच्छे से सेशन लिया और रागिनी मैम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सेशन लेना और ये सब शायद अभी इसका भी मैंने किया बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि अभी शायद वो समय में इतना टाइम नहीं दे पाऊं। पर जैसे जब ये एज एन एडमिन मैंने सेवा चालू की और उसके बाद जब ये न्यू एनर्जी बुक के वर्कशॉप अटेंड की, तब मुझे क्लैरिटी हो गई कि मुझे अब ऑडियोज पे काम करना है, मुझे बुक पर काम करना है। तो ये जो क्लैरिटी मुझे मिली, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही शिल्पा मैम थे जो नवसारी के थे एक मास्टर, तो उनके साथ में कॉन्टेक्ट में आई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ, मैंने कहा मुझे कुछ अंदर से इंस्पिरेशन हो रही है कि सब लोग ऑडियोज बना रहे हैं, तो क्या मैं कर सकती हूँ इसको गुजराती में, क्योंकि मुझे ऐसा विजन आया है और मुझे ये क्लैरिटी आई है कि मुझे ऐसा दिखा है कि न्यू एनर्जी बुक बहुत ब्राइट है और उसके साथ शायद मेरा कुछ कनेक्शन है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को इंस्पिरेशन दिया कि नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो। फिर बहुत उन्होंने भी बहुत गाइडलाइन दिए। उसके बाद फिर सारिका सराफ मैम है यहाँ के भुवनेश्वर के, तो उनके साथ में ग्रुप में जुड़ी और ब्लेसिंग्स टीम में उनके साथ ज्वाइन करके मुझे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप न्यू एनर्जी का अगर आपका मन है तो यूनिवर्स से संदेश मिला है तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बस उन्हीं के सबके मास्टर्स के गाइडलाइन में मैंने फिर ये सेवा शुरू की। तो उसी से हाँ यस, तो तभी से ये जर्नी चल रही है और मुझे लग रहा है कि बस अभी मुझे अभी ऑडियोज पर ही ज्यादा फोकस करना है। जी मैम, एक ये चीज़ भी बहुत इजीली क्लियर हो रही है कि जो भी आपने अभी किताबें अपनी पढ़ी हैं, जो भी स्वाध्याय आपने किया है, उससे कितना कुछ आपने सीखा है। और मैं ये भी बिल्कुल मान सकती हूँ कि जो भी आप अपने ग्रुप में जब मेडिटेशन सिखा रही होंगी, जब सज्जन सांगत्य करती होंगी, तो डेफिनेटली ये सारे मैसेजेस और जो लर्निंग्स आपने ली हैं वो भी सिखाती होंगी। तो मैम, इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जब आप सज्जन सांगत्य में बैठते हैं तो उस वक्त जो हाई पावर और जो हाई एनर्जी फील होती है, उस अनुभव के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे एक चीज होती है जो अपने तक ही सीमित होती है, तब हम धीरे से उसके साथ कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन कितना टाइम रहते हैं हम भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ देर होती है तो हमारा कुछ और थॉट आ जाता है, कोई और थॉट पैटर्न चल, जैसे हम सपोज एक सिंपली अगर मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ तो जैसे कि एक सिंपल मेडिटेशन चल रहा है, लेकिन कुछ देर तक आप पीसफुल रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर होती है तो आपके अंदर कोई और थॉट भी आ जाता है और सडनली आप मेडिटेशन से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं और ग्रुप में मेडिटेशंस करते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तब वहां पर ऐसे फीलिंग आता है कि जैसे वो सब कॉन्शियसनेस एक पूरी ही मतलब एक मास रूप में काम करती है, वो ग्रुप एनर्जीज काम करती हैं। वो आप अकेले रहकर वो चीज फील नहीं कर सकते जो एक आप ग्रुप में फील कर सकते हैं, और जो आप बोलते हैं वही रिफ्लेक्ट होकर आप पर आता है। तो जब जैसे जैसे आप बोलते हैं कि एक पीसफुल एनर्जीज आ रही हैं या बॉडी धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो जैसे जैसे जो चीज आप दूसरों को गाइड करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो रिबाउंस होकर अनेक गुना होकर आपके पास आता है। तो मैम वही सज्जन सांगत्य है और वही काम करता है। जी, तो मैम एक चीज़ तो इससे भी क्लियर होती है कि सज्जन सांगत्य से हमें कितनी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज का अनुभव होता है और वो हमें कितना सुकून देती हैं। जी, तो दर्शकों, अभी तक हमने हेमा जी से जाना उनके जर्नी के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से इतना कुछ सीखा ध्यान में आने के बाद से, और जो उन्होंने दूसरों को भी सिखाया, अब जो अपने ऑडियो बुक के माध्यम से वो रिलीज़ कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं जो हम उनसे करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और देखते रहिए हम है पीएसएसएम। धन्यवाद। सासों के साथ।